हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गणेश। स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पेटीएम का केवाईसी आप कैसे कर सकते हैं। क्या पेटीएम का केवाईसी होना शुरू हो चुका है? जैसा कि दोस्तों यूट्यूब पे आपको पेटीएम केवाईसी रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने को मिल रहे हैं जिसमें आपको बताया जा रहा है कि पेटीएम का फुल केवाईसी होना शुरू हो चुका है। ऐसे में दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या वाकई में पेटीएम का केवाईसी होना शुरू हो चुका है, क्या आप पेटीएम का केवाईसी कर सकते हैं। अगर पेटीएम का केवाईसी होना शुरू हो चुका है तो कौन से यूजर है जो पेटीएम का केवाईसी करा सकते हैं, पेटीएम केवाईसी आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप भी पेटीएम में केवाईसी कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा पेटीएम का केवाईसी स्टार्ट हुआ है या नहीं, अगर स्टार्ट हो गया है तो कैसे आप पेटीएम का केवाईसी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारी YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको सीधी बात बता दूं दोस्तों कि पेटीएम का केवाईसी जो कंप्लीटेड केवाईसी है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, अभी पेटीएम का केवाईसी नए यूजर्स के लिए स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे वैसे यूजर के लिए पेटीएम केवाईसी शुरू हो चुकी है जो पहले से पेटीएम का मिनी केवाईसी करवा के रखे हैं। अगर दोस्तों अगर आपका भी पेटीएम वॉलेट पहले से एक्टिवेट है, अगर आपने मिनी केवाईसी कंप्लीटेड किए हैं पेटीएम वॉलेट के लिए, तो आप अब पेटीएम का फुल केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे यूजर के लिए पेटीएम केवाईसी स्टार्ट हो चुकी है जो पहले से वॉलेट को एक्टिवेट करके रखे हैं, जो इन्होंने मिनी केवाईसी कंप्लीटेड किए हैं, वे घर बैठे ही वीडियो वेरिफिकेशन के थ्रू अपना पेटीएम का फुल केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं और पेटीएम पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और फुली पेटीएम का यूज कर सकते हैं। और अगर आप नए यूजर हैं, मान लीजिए आज ही आपने पेटीएम में अकाउंट बनाए हैं, तो आप अभी पेटीएम का फुल केवाईसी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अगर आपका वॉलेट एक्टिवेट है, अगर आप ओल्ड यूजर है, तो आप पेटीएम का केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे यूजर के लिए पेटीएम केवाईसी स्टार्ट हो चुका है, वैसे यूजर पेटीएम केवाईसी कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको YouTube पे ऐसे वीडियो देखने को मिल रहे हैं जिसमें आपको बताया जा रहा है कि पेटीएम का केवाईसी होना वाकई शुरू हो चुका है, आप इन स्टेपों को फॉलो करके पेटीएम का केवाईसी कर सकते हैं, तो ये आपको फेक जानकारी दी जा रही है। यहाँ पे सीधी बात है कि नए यूजर के लिए पेटीएम केवाईसी शुरू ही नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ वैसे यूजर के लिए पेटीएम केवाईसी अभी हो रही है जो पहले से मिनी केवाईसी कंप्लीटेड कर रखे हैं, जिनका वॉलेट एक्टिवेट किया हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, नए यूजर्स को भी पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट करने का ऑप्शन मिल रहा है, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन मिल जा रहा है, लेकिन जब वे अपने डॉक्यूमेंट डिटेल्स को फिल करते हैं और सबमिट करते हैं तो उनके सामने एक एरर मैसेज आ जाता है। तो अभी नए यूजर पेटीएम का वॉलेट एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, नए यूजर के लिए पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट शुरू नहीं हुआ है। दोस्तों अगर आप पेटीएम का यूज करना चाहते हैं तो पेटीएम का यूज आप कर सकते हैं, पेटीएम में यूपीआई का यूज आप कर सकते हैं, यानी अदर आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करके आप पेटीएम का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप किसी को पैसे भेज सकते हैं, किसी से पैसे ले सकते हैं, मोबाइल डीटीएच रिचार्ज बिल पेमेंट ये सब कर सकते हैं। अगर आप पेटीएम वॉलेट का यूज करना चाहते हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो ये अभी दोस्तों फिलहाल नए यूजर्स के लिए चालू नहीं हुई है। अगर आपका पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट है तो अभी आप पेटीएम का फुल केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों आप पेटीएम वॉलेट को पहले से एक्टिवेट करके रखे हैं तो आप पेटीएम का केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे आपको पेटीएम केवाईसी कंप्लीट करना है इस पे मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर आप जान सकते हैं अगर आपका वॉलेट एक्टिवेट है तो कैसे आप पेटीएम का केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद था कि मैं आपको सही जानकारी दूं और मैं आपको बताऊं कि पेटीएम का केवाईसी शुरू हुई है या नहीं, या फिर कौन सा ऐसे यूजर है जो पेटीएम का केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।